सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संतां के कारज आप खलोवा, हर कम करावन आया राम। ये जड़े शुभ कामन ये उस अकाल पुरख की कृपा दे नाल जड़े कि शुरू होंदे हन। सो आज बड़ा बड़ा एक सुभागा साढ़े इस खानपुर की धरती ते एक अच्छा एक मौका आया है। इस मौके दे विच आज कई सालां दे बाद आज खानपुर दी जिथे इत्थे वसो बड़ी घट है, घर बहुत घट हैं, लेकिन गुरद्वारा साहब दी हालत जिहड़ी सी बड़ी खस्ता सी। अज असी अपने घर बड़े खूबसूरत बनाउंदे आ। असी कहिंदे आ कि आ गया भई काल की तब है चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये गुरु साहब का फरमान है, लेकिन असी घर खूबसूरत बना लैंदे आ, लेकिन जिसले अपने गुरु दे घर दी गल आए तो असी पिछे हट जांदे आ। जिस तरह मेरे तो पहला भाई साहब ने दस्या कि साडे गुरुद्वारे दे जिहड़े मैंबर हन जित ते जांदे हन, इलैक्शनां जित जांदे आ, ते जित के जिले घर बह जांदे आ ते फिर संगतां नूं भी एक रोश दी लहर हुंदी है, एक अफसोस हुंदा है कि जिन्हां लोगां नूं असी चुण के भेजदे आ ते साडी ओह गल नहीं पुछदे, क्योंकि साडी सिख कम्यूनिटी दी एक बड़ी वड्डी एक सोच है कि ये किसे कोलों ना कोई
इलैक्शन के उपर ना किसी कोई पैसा मंगती है ना कोई आटा मंगती है तो ना चावल मंगती है। ये खुदगर्ज लोग नहीं हैं, लेकिन जिस जिस जगह पर असी चाहे असी गुरुद्वारों के मैंबर हाँ अगर गुरु घर वास्ते अगर वो साडे को कोई सहयोग मनते हैं तो जे सानू जित के भेजते हैं तो साडा भी फर्ज बनता कि असी इन लोगों की बांह फड़ीए। सो अज मैनू किन्ने सालों के बाद मैं पिछले दिनों दे जिहड़ी इलैक्शन हुई एक महीना पहले मैं इस ग्रां दे विच आया ते इत्थे आ के देखिया ते मेरिया माता भैणा भी सामने बैठिया सन ते कहण लगियां वीर जी इत्थे पानी जिसले बारिश आती है ते बारिश का पानी छत उपरों तो टपकता है तो जिहड़ा बाहरों पानी आता वह भी साढ़े अंदर गुरु साहब के अंदर चला जाता है तो साड़ी वसो बड़ी घट है लेकिन साड़ी किसी ने बाँह नहीं फड़ी ना किसी ने पूछ गिछ की। तो असी तुहानू वोटां तां पावांगे कि जे साडा गुरु घर दे साड़ी मदद करोगे। सो उस अकाल पुरख ने जिहड़ी कि कहिंदे सतगुर की सेवा सफल है जे जो करे चित लाए, उस अकाल पुरख ने साडे कोलों दुबारा सेवा लैनी सी। असी कोई इन्ने काबिल इंसान नहीं है जां असी आखिए कि असी बड़े बुद्धिजीवी जां बड़े कोई असी संत महंत हां कोई, लेकिन एक उस अकाल पुरख ने टोकरी चुकण दा एक सानू थोड़ा जिहा भार दित्ता होया, लेकिन वह महाराज जिनी देर चुकाएगा तो असी पिछे नहीं हटांगे। सो असी इन्हां नाल वादा कर गए सी कि साडा जिस वेले इत्थों मैंबर जित के जाएगा तो फिर असी तुहाडी जिहड़ी है कि साडी कमेटी बनेगी दुबारा होंद च आएगी तो असी तुहानू जिहड़ा कि असी पूरी तुहाडी मदद करांगे। सो साडे सरदार कश्मीर सिंह जी नू इन्हां ने वध कोलों वध वोटां पा के खानपुर बंदौर दी संगतां ने चुण के भेजिया तो अज वो मौका आया तो असी जिहड़ा कि जिहड़ा वादा किया सी संगतां दे नाल अज वो पूरा करन वास्ते असी इत्थे आए हाँ। सो मैं एक तो धन्नवाद करदा हाँ ये इस इलाका निवासियों का तो जिन्हां ने साडा एक मैंबर चुन के भेजा तो दूजी मुबारक ये दिना कि अज गुरु घर का जिहड़ा काम काज है वह इन्हां दे सहयोग नाल ही होना है, असी कल्ले करन वाले कुछ नहीं है। ये गुरु घर जिहड़े ने ये हमेशा संगतां दे सहयोग दे नाल ही बनते हैं। सो मैं मुबारक दिंदा हाँ जिथे कि अज जिहड़ी कि काम की शुरुआत हुई है साढ़े कश्मीर सिंह और बड़े एक सुलझे हुए जिहड़े कि एक साढ़े इतों के मैंबर जिहड़े चुन के आए हैं बड़े मेहनत कश हैं और साढ़े इन्हां दे नाल कुलदीप सिंह जी जिन्हां नूं दूसरी बारी इतों इस बार्डर के इलाके की संगत ने दोबारा चुन के भेजा। सो इन्दे नाल हरभजन सिंह जी जिहड़े कि वार्ड नंबर 17 शिवानगर तो जित के आए हैं। सो साढ़े नाल सरदार दलजीत सिंह जी कला जिन्हां नूं संगत ने एक बारी इलैक्शन जित के आए दूजी बारी सर्वसम्मति नाल भेजिया और साडे मैनेजर साहब जिहड़े साडे नाल हन अज मैनूं कई बारी मैं अफसोस नाल कहिंदा कि पिछले दिनां दे विच तुसां गुरुद्वारा कमेटी दे विच सुणिया होणा कि प्रधान ये जिहड़ी गुरुद्वारा कमेटी है इस नूं चेंज करो बड़ी देर तो है ये बड़े घपले कर गई ये कर गई वो कर गई। मैं सच जाणियो अगर मैं उस अकाल पुरख दी साडे ते इन्नी किरपा है कि साडा जिहड़ा जिहड़ी गुरुद्वारे दी मैनेजर दी जिहड़ी पोस्ट होंदी है ये पेड पोस्ट होंदी है ये 5-10 हज़ार रुपया ये जिहड़ा कि असी गुरुद्वारा फंड चो दे सकते हैं और ये पेड पोस्ट होंदी है। साडे कोल पहला मैनेजर सन सरदार स्वर्ण सिंह जी जिहड़े कि इंस्पैक्टर सन BSF तो अज जिहड़े साडे मैनेजर हन ये हैड मास्टर रिटायर हन एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विचों ते एक चवानी तनखा जिहड़ी है ये गुरु घर चों नहीं लैंदे उल्टी इन्हां ने मैनूं कहा कि प्रधान जी जिहड़ा कि कठुए तुसीं 3 मंजिला जिहड़ी बिल्डिंग बनाई है अगर उत्थे मेरी सेवा अगर कोई 2-4 लाख की कोई तो जरूरत पैंदी है तो मैं जिहड़े बजुर्ग छत नहीं चढ़ सकते उन्दे वास्ते मैं लिफ्ट की सेवा करने वास्ते मैं तैयार हाँ। तो जे सच जाने तो जिस मैं गल इमानदारी की शुरू की सी जिस गुरु घर का मैनेजर इमानदार होएगा जिहड़ा पल्लों जेब चो पैसे देगा तो वह हेरा फेरी कर सकता है कि जिदे और वो कमेटी किस तरह हेराफेरी कर सकती है कि जिस मैनेजर ने हाथों सारी पेमेंट कैश लैन देन जिहड़ा जिसके हाथों जाना तो जिहड़ा अपनी जेब चों गुरु घर वास्ते सेवा कर रहा। सो कहण तो भाव है कि ईमानदारी दे नाल तुसी गुरु घरां दे कार्ज करो तो वह अकाल पुरख जिहड़ा है कि वह अपने आप ही सिरे चढ़ाई जांदा असी तुसी ते कुछ भी नहीं आ असी ते इक 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 बणदे आ असी इक एक सोमा बने दें कि असी
शुरुआत करने वास्ते एक आगू होंदे आ। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं फिर खानपुर बंदौर दे साडे जिथे कि साडे इतों की कमेटी के प्रधान मैडम जी हैं साडे और सरदार स्वर्ण सिंह जी और सरदार हरविंदर सिंह जी जिन्होंने कि इतों की संगतों नूं नाल लैके ते जिथे कि ग्राही कर रहे हैं ते असी अगे भी जिहड़ी ग्राही दी अगे गल है ते असी भी वध चढ़ के इहनां नाल अगुवाई भी करांगे ते नाल जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी भी सेवा लाणगे सीमेंट सरिया पैसा धेला जिथे साडी सेवा लाणगे असी तन मन धन नाल डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वह अपनी सेवा निभाएगी। बोले सो निहाल। और इस दे नाल ही मैं आखिर दे विच जिथे मैं संगतां दा धन्नवाद करदा मेरिया माता भैणां खड़ोती दियां इत्थों दे इलाका दे पतवंत सज्जन जिहड़े खड़ोते दे मैं इहनां दा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। और उस दे नाल ही मैं इक बाणी चैनल दे साडे छोटे वीर हरविंदर सिंह जी जिहड़े कि साडे डिस्ट्रिक्ट कठुए की जिहड़ी आवाज़ है ये इक बाणी चैनल राही पूरे गुरु घरां दे सुख और दुख जिहड़ी दुखां दी जिहड़ी आवाज़ है ये पूरे जिले दे विच ये कवर करदे हन। और ये जिहड़ी इक बाणी चैनल है ये साडे देशां विदेशां दे विच जिहड़े कि ये चैनल जिहड़ा है जांदा है और उत्थे बह के लोग देखदे हन। सो मैं आखिर दे विच मैं इस इक बाणी चैनल का और वीर हरविंदर सिंह जी का भी तह दिलों धन्नवाद करता हाँ। सो इन्हीं ही बेनतियां प्रवान करनिया भुला चुका माफ़। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं स्वर्ण सिंह पिंड खानपुर तहसील मडीन डिस्ट्रिक्ट कठुआ अज असी खानपुर पिंड च गुरद्वारा साहब का उद्घाटन करने वास्ते सारे इकट्ठे होए हाँ। मैं एक बाणी चैनल दा बहुत धन्नवाद करदा हाँ जिन्हां अपना टाइम कढ़ के और साडे कोल पहुँचे हन और साडी जिहड़ी जगह दी गुरद्वारे दी जिहड़ी नींह पत्थर है उहनू सारी संगत विच इहनां प्रकाशित करना है। और मैं सारिआं दा धन्नवाद करदा हाँ जिहड़े दूरों चल के इत्थे साडे प्रोग्राम च आए हन। मैं बहुत सत्कारयोग गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कठुआ प्रधान साहब का सत्कार करता हाँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम कढ़ के अज सानू संजोग दिता है क्योंकि तुहानू पता है कि इत्थे पिंड खानपुर च गुरद्वारा साहब की बहुत ही खस्ता हालत सी उपरू भी चौंदा सी और साइड तो भी पानी विच जांदा सी क्योंकि नीवी जगह सी। और पहले जिहड़े साडे मैंबर चुने गए कटल गुजरां दे उन्होंने साड़ी 5 साल तक ये नहीं देखिया कि ये गुरद्वारा साहब की हालत है इत्थे कि किसी भी गुरद्वारे साहब च दुख सुख च वो नहीं आए। हुण जदों दोबारा इलैक्शन होई असी प्रधान साहब नू रिक्वेस्ट कीती कि इस तरह पिंड खानपुर का जिहड़ा गुरद्वारा साहब है उहदी बहुत खस्ता हालत है और सारे पिंड ने सा इत्थे जदों आए सन प्रधान साहब उन्होंने ये सारी चीज़ दसी और प्रधान साहब का असी बहुत ही धन्नवाद करते हाँ जिन्हें सानू भरोसा दिता कि अगर असी साडा मैंबर जित गया तो असी पक्का साडी कमेटी बन गई तो असी संजोग करांगे। और अज प्रधान साहब इत्थे आए हैं और अपनी गल ते खरे उतरे हैं इसलिए मैं इस खुशी ते मैं एक जकारा लांदा हाँ कि प्रधान साहब ने साड़ी बहुत ही हेल्प की है। बोले सो निहाल। मैं सारी संगत का धन्नवाद करदा हाँ जिन्हें अपना टाइम कढ़ के इस जगह ते अपना मूली समय दिता है क्योंकि ये जिहड़ा समा है ये सफल होना है यही जो घड़ियां हैं यही सफल होनिया हैं। बस इन्ना ही कहिंदा हुए मैं अपना धन्नवाद करदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।